नमस्कार। तो साथियों, अगली क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो बिल्कुल लाइव है, और मैं भी कह सकता हूं प्रूफ के साथ कि वीडियो बिल्कुल लाइव है। और आप वीडियो को पूरी वॉच करना दोस्तों, आप काफ़ी मुझे सपोर्ट बनाए रखे मेरे ऊपर, आपने सपोर्ट काफ़ी कम कर दिया है। तो यहां पर देख सकते हो, अभी हम पंदी के जाले हैं जो लगा रहे हैं, यानी कि पंदी का एक एक जाला चेक किया जाता है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई जाती है ताकि तीतर ना निकले और फंस जाए। यहाँ पर देख लो, ये हमारा मोबाइल धरने का स्टैंड है। और दोस्तों, अभी हम तीन बंदे साथ हैं, एक ये रहा दोस्तों, यहाँ पर ये आम से केरियाँ तोड़कर ला रहा है। और देखो, कुछ देर बाद में दोस्तों में तितर मिल भी जाते हैं और जाल हमारी है जो बिछाई जाएगी। तो जब तक जाल बिछाई जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि अगली क्लिप देखकर, यानी अगली क्लिप बहुत ही शानदार है, तो सोचो वीडियो कितनी शानदार होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो जाली सरसों का खेत है उसमें हमारी जाली बिछाई जा रही है, यानी हमने पहले यहाँ पर जगह को साफ किया, उसमें हमें काफ़ी मेहनत लगी। तो इस मेहनत के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, आपका एक सब्सक्राइब देने में कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, यानी कि आपका कुछ भी नहीं जाता। तो यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारी जाली है लगभग बिछ चुकी है। आपको भी किसी खेत की मेहर से सटाकर जाली को लगाना है, क्योंकि तीतर ज़्यादातर मेहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो पेड़ होते हैं उनमें छुपने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, जाली लग चुकी है। एक बार फिर से चेक करा देता हूँ आपको, जाली ठीक से देख लो। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको भी जाली लगा देनी है, सही तरीके से आप जाली को देख सकते हो। काफ़ी देर में, यानी कि शाम के वक्त हमें ये तीतर मिल जाते हैं। और देख, अभी आप देखना किस प्रकार से हम तीतर को पकड़ेंगे, और जहाँ पर तीतर आएंगे वहाँ पर मैं रेड निशान हर बार लगा देता हूँ, वहाँ पर देख लेना। तो कुछ देर बाद में हमारा मोबाइल सेटअप हो जाता है, जाल आपको तीतर दिख रही होगी। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमारा तीतर आ चुका है। और दोस्तों, ये निकल भी गया है, लेकिन दोस्तों आगे जाकर वापिस ये फंस जाता है, क्योंकि हमारी जाल काफ़ी लंबी है और क्वालिटी वाली है इस कारण से। तो दोस्तों, तुरंत फंसते ही इस तीतर को पकड़ लिया जाता है। तो इस बात पे यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा ये तीतर है वो उलझ गया है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, दो दो लगभग तीन फंदों में हमारा तीतर उलझ चुका है, तो ये निकल यहाँ से बिल्कुल भी नहीं सकता। तो पहले किए जाएंगे इसके जाले चेक कि कहां कहां पर फंसा हुआ है। ये लगभग दो ताड़ियों में हमारा एक तीतर फंस गया है, तो इसके निकलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं आपसे अगली लाइव वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब।